अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक छोटा सा शहर तवांग पर्यटन स्थल के रूप में काफी लोकप्रिय है। इसने विश्व पर्यटन मानचित्र में पर्यटकों के लिए एक प्रमुख स्थान बनाया है। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह उत्तर में तिब्बत अब चीनी कब्जे में और दक्षिण पश्चिमी भाग में भूटान की दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घेरा है। तवांग 1962 के भारत चीन युद्ध के लिए भी लोकप्रिय है, जिसे भारत और पीएलए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच 23 अक्टूबर 1962 को लड़ी गई बुमला की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इस लड़ाई के दौरान हजारों भारतीय सेना ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। बुमला की लड़ाई 23 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध शुरू होने के 3 दिनों के बाद खराब मौसम की स्थिति और अलगाव में लड़ी गई थी। एक बहादुर सैनिक जिसने चीनी हमलों के सफल प्रतिकार के साथ चीनी सेना का मुकाबला किया वह सूबेदार जोगेंद्र सिंह थे, जिन्होंने फर्स्ट सिख रेजिमेंट के 22 लोगों की एक प्लाटून की कमांड संभाली थी। उनके पिता शेर सिंह साहन एक कृषि सैनी सिख परिवार से थे, जो होशियारपुर जिले के मुनंग कला, जिसे अक्सर मुनाका कहा जाता है, से मोगा जिले के महल्ला कला में स्थानांतरित हो गया था। उनकी माता बीवी कृष्ण कौर बेला थी। जोगेंद्र सिंह ने बीबी गुरदयाल कौर बंगा से शादी की, जो कोटकपुरा के पास कोठाए रारा सिंह गांव में एक सैनी परिवार से थी। वह नाटू अला गांव के प्राथमिक विद्यालय में गया और धरोली गांव के मध्य विद्यालय में गया। उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला किया, यह मानते हुए कि यह उन्हें पहचान और उद्देश्य देगा। चीनियों ने तोपेनला पोस्ट पर 3 लहरों में हमला किया, जिनमें से प्रत्येक में 200 पुरुष शामिल थे। हालांकि शुरुआती 2 हमलों को सफलतापूर्वक सैकड़ों पीएलए सैनिकों को मार गिराया गया था। उस समय तक भारतीय सेना की पलटन अपनी मूल ताकत से आधी हो चुकी थी। हमले के दौरान सूबेदार जोगेंद्र सिंह भी घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने निकासी से इनकार कर दिया। जल्द ही गोला बारूद समाप्त हो गया और बचे लोगों के पास केवल संगीने रह गई। सिख सैनिकों ने तब युद्ध के नारे वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के नारे लगाते हुए पीएलए की ओर आरोप लगाया। यह नजारा देखते ही चाइनीज लाइन बिखर गई और कई संगीन हो गए। भारी संख्या और बेहतर हथियारों के कारण चीनी सूबेदार जोगेंद्र सिंह और उनके शेष सिख सैनिकों के अंतिम आक्रमण का सामना करने में सक्षम थे। अपने आदमियों के मारे जाने और कुछ घायल होने के बाद उन्होंने अकेले ही अपने संगीन और एटलस के साथ 56 चीनी सैनिकों को मार डाला। चीनी से कोई चिकित्सा सहायता लेने से इनकार करने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया और पीएलए की कैद में उनकी मृत्यु हो गई और 23 अक्टूबर 1962 को उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्तव्य के आह्वान से पूरे उनके सर्वोच्च बलिदान के 60वें वर्ष पर राष्ट्रीय बहादुर सैनिकों का आभारी है। बुमला में जोगेंद्र सिंह युद्ध स्मारक पर आयोजित शहादत दिवस में आज भारतीय सेना नागरिक प्रतिनिधियों ने एक उदास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्थानीय स्कूली बच्चों ने शहीद हुए वीरों की याद में देशभक्ति के गीत गाए और उनके बलिदान के शपथ लिए। कमांडर 190 माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेडियर एनएम बंदेगिरी सेना मेडल और प्रभारी डीसी तवांग रिंचिन लेटा, एसपी तवांग बोमगे कामदुक, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बीजेपी एसटी मोर्चा सेटन चोम्बे, एमएमटी महासचिव नामगे त्सरिंग, केसांग नोरबू ओसीएसबी के साथ सिविल अधिकारियों और छात्र ने आज बुमला में शहीद सूबेदार जोगेंद्र सिंह परमवीर चक्र को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो आइए अंत में परमवीर चक्र सूबेदार जोगेंद्र सिंह के शहादत दिवस की कुछ झलक देखिए। अंगारों में जिस्म जल
तेरी हवा पे जिंदा।